हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त तार। आज हम बनाने वाले हैं घेवर। राखी का त्योहार है और घेवर न बने तो त्योहार का मजा ही क्या। तो आज मैं लेके आई हूं घेवर की एक आसान सी रेसिपी, जिसे आप घर चलिए रेसिपी स्टार्ट से बना सके। लेकिन उससे पहले, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। घेवर एक राजस्थानी स्वीट डिश है जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। घेवर बनाने के लिए चाहिए 1 कप मैदा, ठंडा पानी, 1 कप दूध, 4 से 5 चम्मच देसी घी। सबसे पहले हम मिक्सर में देसी घी डालेंगे और उसमें ठंडा पानी डालकर उसे अच्छे से फेंट लेंगे। हमारा घी और पानी अच्छे से फेंट चुका है। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। याद रखें, मैदे को थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है और मिक्स करते जाना है। 1 कप मैदा को आप 7 से 5 बार में ऐड करें, जिससे इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। मैदे को अच्छे से फेंटने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप दूध। इसे भी हम अच्छे से 2-3 बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 नींबू का रस और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम एक पतीली में ये सारे बैटर को निकाल लेंगे। ये थोड़ा सा थिक सा लग रहा है, इसमें हम थोड़ा ठंडा पानी और मिला देंगे ताकि इसका पतला सा पेस्ट बन जाए। मैं घेवर बनाने के लिए यहाँ पैन का यूज कर रही हूँ। अब पैन में मैंने घी गरम किया हुआ है। अब हम इसमें अपने बैटर को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। गैस की फ्लेम को इतना रखना है जिससे ये आपके बर्तन से बाहर ना आए। इसमें थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालते जाएंगे और बीच में जगह करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके बैटर को 7 से 5 बार इसमें डालना है। अब इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ब्राउनिश होने के बाद हम इसे नुकीली चीज से निकाल लेंगे। हमारा घेवर बनके तैयार है। देखिए कितनी अच्छी जालियां बनी हैं इसमें। इसका अतिरिक्त तेल निकल जाए इसके लिए हम इसे एक जाली पर रख देंगे। ये देखिए हमारा घेवर बनके रेडी है। अब इसमें चाशनी डालेंगे। चाशनी के लिए मैंने एक पैन में 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी बॉईल होने तक पकाएंगे। इसे बहुत गाढ़ा नहीं करना है, पतला ही रखना है क्योंकि हमें घेवर के लिए बहुत अधिक मीठे की आवश्यकता नहीं होती है। घेवर थोड़ा मीठा और थोड़ा फीका होता है। अब एक घेवर लेंगे और उस पर अपनी चाशनी को 2 से 3 चम्मच तक डाल देंगे। आप इसे प्लेन भी खा सकते हैं। मैं यहाँ पर रबड़ी की कोटिंग कर रही हूँ जिसे मैंने घर पर ही बनाया हुआ है। अच्छे से पूरे घेवर पर रबड़ी को लगा देंगे। अब कुछ ड्राई फ्रूट का प्रयोग कर रही हूँ मैं वहां पर इसको गार्निश करने के लिए।
और इसको और अच्छा दिखने के लिए मैंने यहाँ पर गुलाब की पंखुड़ियों का यूज किया हुआ है। हमारा घेवर बनकर रेडी है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, आप एक बार जरूर ट्राई करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना। फिर मिलूंगी किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।